मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज इंडियन रेलवेज। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। जहाँ तक किसी भी सामान को या पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन की या मूवमेंट की बात है, तो इंडियन रेलवे जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़, हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं जाना है, किसी पर्टिकुलर साइट को देखने जाना है, या पिलग्रिमेज पर्पज़ से हमें कहीं मूव करना है, तो इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए क्या है, इंडियन रेलवे इज़ द बेस्ट सुटेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, इट कवर द लॉन्ग डिस्टेंसेज इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट प्रोवाइड्स मोबाइल सर्विसेज कनेक्टिंग फार ऑफ प्लेसेस। जो दूर दूर हमारे क्षेत्र हैं उनको भी क्या करता है, इंडियन रेलवेज एक दूसरे के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। इट कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस कैरिंग लॉट ऑफ हैवी लोड्स। जैसे आपकी हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करना है, जैसे आयरन ओर है, कोल है, या और जो इसकी रिक्वायरमेंट हैं वो भी फुलफिल किससे होती हैं, इंडियन रेलवेज से। अपार्ट फ्रॉम दीज बेनिफिट्स इट प्रोवाइड्स इन एक्सपेंसिव सर्विसेज। ठीक है, इट सेव्स टाइम, इट इनहेंसेस ट्रेड स्पेशली डोमेस्टिक ट्रेड। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द इंडियन रेलवेज। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन रेलवेज। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन रेलवेज, फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन रेलवे इज़ दैट इट सपोर्ट्स टूरिज़्म। जो आपकी समर वैकेशन या विंटर वैकेशन होती हैं उसके दौरान हम क्या करते हैं, हिल स्टेशंस पे या आपके जो अदर प्लेसेस होते हैं टूरिज़्म के लिए, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, विज़िट करते हैं। ठीक है, तो उसको प्रमोट करने में भी क्या है, इंडियन रेलवे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट इट कनेक्ट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेंटर्स। जहाँ जहाँ हमारी इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हैं, तो वहाँ से जो गुड्स प्रोड्यूस होता है उसको मार्केट तक पहुँचाने में भी क्या करता है, इंडियन रेलवे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट फैसिलिटेट्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। जो हमारी एग्रीकल्चर है उसके लिए जो टूल्स हैं, मशीनरी है, या इसका जो प्रोडक्शन होता है आपका फूड ग्रेन्स का, उसको मार्केट तक पहुँचाने में, और जो इसको मैंने अभी बताया जो टूल्स और मशीनरी हैं वो जहाँ पे प्रोड्यूस होती है वहाँ से जो आपके एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं वहाँ तक भी उनको ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। इंडियन रेलवे क्या है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो जहाँ तक टोटल हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल की बात करें, तो इसमें टोटल जो 6% कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आता है आपका, इंडियन रेलवेज से। ठीक है, अगर टोटल GNP की बात करें तो 1% शेयर इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडियन रेलवेज। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, इंडियन रेलवेज के बारे में। फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज लेड डाउन इन 1853। फर्स्ट टीम्ड ऑफ बिटवीन बॉम्बे टू थाने। द टोटल लेंथ ऑफ द ट्रैक वॉज 34 किलोमीटर। इंडियन रेलवे इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क एज इट हैज़ 7,133 स्टेशंस। टोटल रूट लेंथ इज 64,460 किलोमीटर। 7,213 किलोमीटर लोकोमोटिवज एंड 53,220 पैसेंजर सर्विसेज व्हीकल। टोटल जो कोच व्हीकल्स हैं आपके वो हैं 6,493। टोटल जो वैगन थे आपके 2011 में वो थे 2,29,381। इंडियन रेलवेज को टोटल 16 जोन में डिवाइड किया गया है। एट प्रेजेंट जो आपके जोन हैं वो 17 हो चुके हैं। जो फ्राइट वैगन हैं आपके वो हैं 23,721 एंड इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 1,307 मिलियन पीपल डायरेक्टली। ओके, जो पैसेंजर्स ट्रेन हैं टोटल हमारे इंडिया में वो हैं 12,617। फ्राइट ट्रेन्स हैं आपकी 7,421। जो हमारी शताब्दी एक्सप्रेस है इट इज़ दी फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। इट रन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू झांसी, लेटर एक्सपेंडेड टू भोपाल, नाउ
हबीबगंज, ठीक है। सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द इंडियन रेलवेज। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडियन रेलवेज। जैसे हमने रोडवेज में डिस्कस किया था कि रोड की जो डेंसिटी है वो कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, तो ठीक वैसे ही क्या है इंडियन रेलवेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सम फैक्टर्स एंड द फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले है टोपोग्राफी और फिजियोग्राफी। फर्स्ट इज नॉर्दर्न प्लेन्स, ड्यू टू हैवी फ्लड, फ्लैट लैंड, हाई पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, दीज रीजन्स आर द मोस्ट फेवरेबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट हिली एरियाज एंड पेनिनसुलर रीजन, जो आपके हिली रीजन हैं आपके, जैसे आपके माउंटेन्स हैं नॉर्दर्न इंडिया में, इसके अलावा जो ऐसे आपका जो सदर्न इंडिया में पेनिनसुलर प्लेटू है, तो वहाँ पे क्या है इंडियन रेलवेज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फेवरेबल जो कंडीशन है वो नहीं है। जो आपका डाइसेक्टेड टोपोग्राफी होती है, अनइवन सरफेस होता है, वहाँ पे रेलवेज ट्रैक को कंस्ट्रक्ट करना इतना इजी नहीं है, ठीक है। थर्ड वन इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी नॉर्दर्न माउंटेन्स विच आर नोन एज हिमालयन रीजन, ठीक है। इसमें हाई रिलीफ की वजह से, स्पार्स पॉपुलेशन की वजह से आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी काफ़ी कम हैं, तो उस वजह से इंडियन रेलवेज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज वेस्टर्न डेजर्ट्स विच इज़ नोन एज थार डेजर्ट। यहाँ पे भी रेलवे लाइंस को ले करना क्या है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज दिस रीज़न इज़ एक्सपीरियंस विद सैंडी प्लेन। यहाँ पे यूजुअली जो ट्रैक है उसके सिंक होने की प्रॉब्लम्स कई बार हम फेस करते हैं, इसलिए आपका जो रेलवेज की जो लाइन है वो यहाँ पे काफ़ी कम है। नेक्स्ट इज स्वैम्प्स ऑफ गुजरात, जिसके अंदर आपका MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड ऐसे हैं, जैसे स्टेट्स के अंदर क्या है काफ़ी फॉरेस्ट हैं, तो वहाँ पे भी इंडियन रेलवेज़ का इतना एक्सपेंशन नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर इज इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर यानी यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे इंडियन रेलवेज़ का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, जिसमें सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ पे इंडियन रेलवेज़ का हमें डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी सेटअप है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, उनके जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनको मार्केट तक क्या करना पड़ता है, सेंड करना पड़ता है, तो ऐसे जो इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं वहाँ पे भी इंडियन रेलवेज़ का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है हिमालयन एरियाज़। कुछ आपके जो हिली एरियाज़ हैं जो टूरिस्ट पर्पज़ से क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी कोशिश की गई है कि इंडियन रेलवेज़ के साथ क्या किया जाए, कनेक्ट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डेजर्ट। डेजर्ट मैंने अभी आपको बताया थार डेजर्ट, क्योंकि वहाँ पे एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ की काफ़ी कमी है और वहाँ पे और प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन कम है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनको हम सेवन सिस्टर भी बोलते हैं, वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम है, क्योंकि इन स्टेट्स के अंदर क्या है टोपोग्राफी काफ़ी अनइवन है और इसके साथ साथ डेंस फॉरेस्ट हैं, तो रेलवे को कंस्ट्रक्ट करना, रेलवे लाइंस को वहाँ पे ले डाउन करना काफ़ी क्या है काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव में आपका जो नक्सलाइट्स अफेक्टेड एरिया होते हैं वहाँ पे भी रेलवे लाइंस काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। बॉर्डर एरियाज़, बॉर्डर एरिया में भी क्या है अनस्टेबिलिटी रहती है, काफ़ी डिस्टर्बेंस रहती है, तो वहाँ पे भी रेलवे का एक्सपेंशन काफ़ी कम है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन रेलवेज। Now we will discuss the problems which are faced by the Indian Railways. First problem is that passengers travel without tickets. बहुत सारे ऐसे passengers होते हैं जो बगैर टिकट क्या करते हैं, travel करते हैं, इससे Indian Railways को क्या होता है loss होता है, ठीक है। Second, tracks are old and sinking of track are common and landslides. जो ट्रैक्स हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, उसके साथ साथ कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे उनके नीचे धंसने की, सिंक होने की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या है उसको प्रॉपर उसके लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत है। थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग रेलवे प्रॉपर्टी, जो रेलवे के थ्रू क्या करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे पेट्रोल है, डीजल है या और चीज़ें, रॉ मेटेरियल है, वो क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी कई बार हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि
जो जर्नी होती है उसके दौरान क्या होता है, सामान कई बार चोरी हो जाता है और कई बार उसको नुकसान भी पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट इज स्टॉप ट्रेन्स अननेसेसरी पुलिंग ऑफ चेन्स। कई बार जो आपके पैसेंजर्स होते हैं वो अननेसेसरी क्या करते हैं, चेन पुल करते हैं। इससे क्या होता है, जो रेलवे की टाइमिंग से वो डिस्टर्ब होती हैं और रेलवे को इकोनॉमिक लॉस भी फेस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैंसिलेशन एंड डिलेज। अब मैंने अभी आपको बताया कई बार जो आपके अननेसेसरी चेन पुलिंग होती है या जे बैड वेदर होता है उसमें भी रेलवेज आपकी जो ट्रेन्स हैं वो क्या होती हैं, जो टाइम उनका फिक्स होता है स्टेशन्स पे पहुंचने का उसमें क्या होती है, वो डिले होती है। फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स, प्रॉपर सिग्नल नहीं होने की वजह से कई बार क्या होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं जिससे काफ़ी लाइफ और प्रॉपर्टी का काफ़ी लॉस फेस करना पड़ता है। हाई ग्रेडियंट्स, जो आपके हाई स्लोप्स होते हैं वहाँ पर रेलवे को कंस्ट्रक्ट करना इतना आसान नहीं है, कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट ईजी। नेक्स्ट इज फिक्स्ड पाथ, रेलवे के जो ट्रैक होते हैं वो फिक्स होते हैं, रेलवे जो आपकी ट्रेन्स होती हैं वो उसी पे मूव कर सकती हैं। इसको हम अपनी इसके जो रूट्स होते हैं उसको कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, रोडवेज के साथ, तो अगर कहीं जैसे ट्रैफिक जैम है या कुछ और है तो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, जो रोडवेज के जो व्हीकल्स होते हैं उसको हम मूव कर सकते हैं, बट रेलवेज के केस में ऐसा नहीं है। पुअर मेंटेनेंस, ठीक है, इंडियन रेलवेज़ में पर्टिकुलरली जो हमारा हाइजीन है उसका प्रॉपर केयर नहीं की जाती है, इस वजह से क्या है, हम कह सकते हैं कि वहाँ पे मेंटेनेंस भी प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट एयरवेज टफ कंपटीशन, जो हमारा एसी जो ट्रेन्स होती हैं उसका जो फेयर होता है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर में होता है, एयरवेज, लेकिन अगर फैसिलिटी की बात करें तो एयरवेज में बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और उसमें टाइम भी कम लगता है। तो एट प्रेजेंट एयरवेज इज़ गिविंग टफ कंपटीशन टू द इंडियन रेलवेज, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स और ड्रॉबैक्स फेस्ड बाय इंडियन रेलवे। अब हम बात करेंगे उन रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में जो इंडियन रेलवेज में हुई हैं या उन मेन स्टेप्स के बारे में जो रेलवेज ने क्या किए हैं, उठाए हैं अपनी फैसिलिटीज़ को बेटर करने के लिए। सबसे पहला जो स्टेप है जो इंडियन रेलवेज़ ने उठाया है वो ये है कि अब मोस्टली ट्रैक्स को क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो ट्रेन्स हैं हमारी उनका जो नंबर्स है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है। जो सेकंड स्टेप है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया टोटल पहले कितने थे, 16 जोन्स थे, लेकिन जो हमारा जो पेनिनसुलर रीजन है उसके अंदर पैसेंजर्स की और गुड्स की मूवमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए वहाँ पर एक स्पेशल अलग तरह का जोन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है कोंकण रेलवेज। ठीक है, इसके अलावा जो अनमैन क्रॉसिंग लाइंस थी वहाँ पे भी क्या किए गए हैं, पोस्ट बनाई जा रही हैं और वहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हो उसको अवर्ट करने के लिए वहाँ पे पोस्टिंग की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे हिली एरिया हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी इंडियन रेलवेज़ की जो रेलवे लाइंस हैं उसको क्या किया गया है, एक्सपेंड किया गया है। सो दीज आर द सम डेवलपमेंट्स विच आर बीइंग डन बाय द इंडियन रेलवेज़ फॉर प्रोवाइडिंग इट्स फैसिलिटी इन ए बेटर वे। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।